जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पिछले वीडियो में बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? किसी भी जो एक वाक्य होता है, यानी कई प्रकार के शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। वाक्य में रखे गए जो शब्द हैं, अगर वो सही से या श्रेणी क्रम में रखे गए हैं तो फिर उनके जो है अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार जो शब्द होते हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में बांटा जाता है। और उनके 8 भाग जो है वो 8 भाग क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 इनके भाग होते हैं। उन्हीं में से जो पहला भाग ये नाउन है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। इसकी जो डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन, ए नाउन इज ए वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, ए प्लेस, एन एक्शन, एन आइडिया और ए क्वालिटी, इस टाइप में, यानी ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ए नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, ठीक है। इसमें समय कमा लगेगा, हम अभी लिख देंगे इसकी डेफिनेशन, अभी लिख देंगे, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। पहले आप अच्छे से सुन लीजिए, फिर बाद में लिखिएगा। ए नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, एन आइडिया, ए क्वालिटी और एन एक्शन, यानी इन सब चीजों को। अब देखो इसमें हम डेफिनेशन लिख के दे रहे हैं। ए नाउन इज ए वर्ड दैट रिफर्स टू a things, a person, an animal, ठीक है, a place, a quality an action or an idea, ठीक है। यानी संज्ञा क्या है? किसी चीज के, जो किसी चीज के बारे में बताती हो, किसी व्यक्ति के बारे में बताती हो, किसी पशु एनिमल या किसी जानवर के बारे में बताती हो, किसी स्थान के बारे में बताता हो, किसी के विचार यानी किसी की क्वालिटी के बारे में बताता हो, किसी एक्शन यानी किसी कार्रवाई के बारे में बताता हो, या फिर कोई विचार या भाव स्पष्ट करा हो, अगर इस तरीके की कोई भी चीज एक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं? नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों को एक डिफिनेशन वो याद होगी जो सबसे सिंपल डिफिनेशन आपको लगती है, क्या है? ए नाउन इज द name of any person, place, animal or things। देखो अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है? एक जनी जो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन इनके विचार इनके जो भाव हैं वो एक ही होते हैं, ठीक है। अब क्या है संज्ञा? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, यानी फाइव काइंड्स। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर एक पे कॉमन नाउन, ठीक है, यानी जातिवाचक संज्ञा। नंबर दो पे प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर तीन पे कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर चार मटेरियल नाउन, यानी धातुवाचक संज्ञा। और नंबर पांच पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। ठीक है, तो ये पांच प्रकार के नाउन होते हैं, संज्ञा जो होते हैं पांच प्रकार के होते हैं। अब देखो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये नहीं कि उसमें, अब जैसे कि यहाँ आजकल जो बातें चल रही है, जैसे हाथरस का एक केस है, वहां भी जातवाचक जाति का ही चल रहा है, सवर्ण बनाम नीची जात। फिलहाल छोड़ो, इस इन सब से को हमसे कोई मतलब नहीं है, हम टीचर हैं, हमारे लिए सारी जातियां बराबर होती हैं, हम लोगों की कोई इस तरीके का कोई वैसा नहीं होता है। लेकिन देखो इस हिसाब से बात करते हैं, इसमें जातिवाचक मतलब कोई वो जाति नहीं है कि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र इस तरीके के कुछ नहीं हो कि ऐसी कोई जाति। यहाँ पे मतलब है उसका भी अलग अलग बात है, यानी जो वो जाति है उसका भी एक अलग रीजन है। यहाँ पे देखो जातिवाचक मतलब होता है जाति यानी प्रकार, ठीक है, जाति मतलब यहाँ पे प्रकार होता है, जैसे कि इंसान यानी ह्यूमन, जैसे हम है इंसान है, एक इंसान एक जाति हो गई, ठीक है। और उसके बाद में मेरा नाम अंशुमान सिंह है, वो क्या हो गया, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक यानी मैं एक इंसान हूं, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया ह्यूमिनिटी, यानी ये क्या है जातिवाचक हो गया। और व्यक्तिवाचक यानी मेरा नाम अंशुमान है, समझे। यानी प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, तो कॉमन हुआ, ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान को क्या कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। और उसके बाद प्रॉपर नाउन कहते हैं, एक मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अभी इसकी डिफिनेशन सभी हम बताएंगे, इसके बाद डिफिनेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन तब तक आप ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए ये क्या क्या है यहाँ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं जातवाचक संज्ञा, ये क्या है जैसे कि बॉय, गर्ल, ठीक है, डॉग और स्टेट, ठीक, ये हो गया जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक मतलब क्या हुआ, राम, ठीक है, ये हो गया, ठीक, सीता, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हमारी कैप्टन लखनऊ, ठीक है। अब देखो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, समूहवाचक मतलब क्या होता है, समूह मतलब कोई भी चीज, कोई संख्या की चीज हो, जैसे कि जिनमें की संख्या का बोध होता हो, जैसे कि क्लास, आप लोग क्लास में बैठे हो ना, क्लास में आप लोगों की कुछ संख्या है, तो उसको किस में रखेंगे समूहवाचक में, जैसे क्लास, टीम, मैच खेलते हो ना आप लोग, टीम मैच, फुटबॉल, जो भी मतलब प्लेयर प्लेयर की होती है टीम होती है, ठीक, आर्मी,
ठीक इस तरीके से। अब देखो धातुवाचक संज्ञा, अब धातुवाचक का मतलब क्या होता है? धातु मतलब धातु, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, इस तरीके के वो धातु, जो इस तरीके की चीजें जैसे कि गोल्ड सिल्वर है, पेपर भी होता है, ये सब चीजें जो होती हैं, सब चीजें नहीं, जैसे जो चीजें बनी होती हैं होता है। अब यहाँ पे देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, यानी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक मतलब क्या हुआ? भाववाचक मतलब क्वालिटी, ठीक है, तो उसमें या कोई एक्शन। अब देखो क्या हुआ कि हम बहुत खुश हो गए, हैप्पीनेस, यानी भाववाचक, भाव आया ना, बहुत गुस्सा हो गया, एंग्री मतलब भाव हो गया, है नहीं। अब क्या हुआ, अब हम क्या कहते हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, ऑनेस्टी, ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है, इसको लिखेंगे ऑनेस्टी, ठीक है, हैप्पीनेस, इस तरीके की जो होती है ये इसमें भाववाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। तो अब इनका, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। तो देखिए कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, तो कॉमन नाउन इज ए वर्ड दैट रिफर्स, कॉमन नाउन इज ए वर्ड दैट रिफर टू अ थिंग, अ पर्सन, अ प्लेस। यानी कॉमन नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन इज ए वर्ड दैट रिफर्स अबाउट अबाउट एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स, ठीक है। अब क्या है, ये जो कॉमन नाउन है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता हो तो उसके, उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बॉय गर्ल, ठीक है, आप स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट, टीचर, विलेज, ठीक है, अबाउट ए पर्सन हो गया, प्लेस, प्लेस यानी विलेज हो गया, सिटी हो गया, और स्टेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में थिंग्स यानी आपके पास क्या है, बुक्स हैं, पेंस हैं, ठीक है, टेबल, चेयर, रिवर। एनिमल की बात करें तो डॉग है, कैट है, लायन है, इस तरीके से वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें, तो ये सब होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल में जैसे कि देखते हैं, मोहन इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखो बताओ इसमें कौन सा कॉमन नाउन है, बोलिए, ठीक है, वेरी गुड बॉय, ठीक है।
मौन तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसको हम आगे बताएंगे। मौन प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। गुड इसकी क्वालिटी है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्या है बॉय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन नाउन हो गया है बॉय, अभी यहाँ पे किसी गर्ल का जिक्र हो तो गर्ल हो जाएगी, किसी स्टूडेंट का जिक्र हो तो स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी गई है ना, इन्हीं में से आपको इसी तरीके के जो कॉमन नाउन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एट द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, ठीक है, जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के लिए किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। राम, अशोक, दिल्ली, आगरा, इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे इसका क्या कहते हैं, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसमें ये बताओ कि इसमें प्रॉपर नाउन इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन सा है? बताओ बताओ इसमें प्रॉपर नाउन कौन कौन सा है? देखो इसमें प्रॉपर नाउन है लखनऊ और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? एक स्टेट है, और लखनऊ क्या है? कैपिटल। इसमें दोनों प्रॉपर नाउन है। और इसमें एक चीज और है, इसमें कॉमन नाउन भी है, वो क्या है? कैपिटल। ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो हमको इससे मतलब नहीं रखना है, इससे और इससे, ठीक है। यानी यहाँ पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश से क्या है, ये दोनों प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स व्हिच आर स्पोकन एज अ होल, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये क्या है? एक उस व्यक्ति की संख्या, नंबर ऑफ पर्संस और वो थिंग, यानी उस चीज की संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में पूरे वाक्य में बात की जा रही हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है? आर्मी, क्लास, टीम, बंच, क्राउड, इनमें सब में क्या होती है? इनमें सब में एक तरीके से ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, यानी ये क्या, आर्मी इसमें क्या होती है? इसमें भी संख्या होती है। आर्मी क्या होती है? आर्मी में कितने बहुत सारे लोग होते हैं। क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। ये बंच और ये क्राउड में भीड़ होती है, ठीक है। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है, आर्मी वॉज कॉल्ड टू कंट्रोल द मॉब। मॉब माने भी भीड़ होती है। मॉब मतलब वो जैसे कि कब बहुत सारा दंगा उंगा हो जाए तो वहां पे जो भीड़ होती है उसको मॉब कहते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाए वो उसको क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं, ठीक है। तो आर्मी वॉज कॉल्ड टू कंट्रोल द मॉब। अब इसमें आर्मी देखो, एक आर्मी और एक क्या है? मॉब। इसमें दो चीजें जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है, जो अगली हेडिंग है वो क्या है? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं, यानी धातुवाचक संज्ञा। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन यानी कोई भी धातु के बारे में, ऐसा ऐसी संज्ञा जिसमें किसी धातु का बोध हो, ठीक है। जैसे क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम मेटल, यानी उस कुछ धातु व्हिच इज यूज्ड फॉर मेक थिंग्स, यानी कुछ चीजों, क्या है, चीजें, किसी चीज, किसी वस्तु को बनाने में जिन धातु का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, इसी तरीके से अन्य भी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, सॉरी, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या है? गोल्ड भी है और रिंग, रिंग आपका क्या है? कॉमन नाउन, ठीक। अब देखो यहाँ पे गोल्ड है, कोई भी चीज अभी सिल्वर की बनी होती है, कॉपर, यानी ये सब चीज जो है ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है। और उसके बाद अगली हेडिंग आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा क्या है?
भाववाचक संज्ञा जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी तरीके का भाव आना, जैसे ईमानदारी का भाव आना, खुशी का भाव आना, दुख का भाव आना, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा में आती हैं। इनकी सबकी श्रेणी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, यानी का ऐसा किसी भी चीज का क्या है, कोई क्या होता है, गुण होता है, एक्शन यानी कोई कार्य कार्यवाही, और स्टेट यानी कोई भी तरीका। तो इसको क्या कहते हैं? जैसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हॉनेस्टी है, सारो है, हैप्पीनेस है, पावर्टी है, सिंपैथी, इस तरीके। इसका जो एग्जाम्पल हॉनेस्टी इज द बेस्ट, ठीक है, इसमें क्या होगी? हॉनेस्टी। तो यहाँ पे नाउन आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, तो अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप एक काम करिएगा, इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आती है आगे भविष्य में। अभी तो स्टार्टिंग है ग्रामर की, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब तरीके से जब पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा तो इसके आगे के ग्रामर के बारे में बात की जाएगी। लेकिन तब तक आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। और हम